हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। मतलब हम सभी के विषय में बात करेंगे। सबसे पहली बात करें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, जो कि टेंसेस में तीन प्रकार के लिए यूज़ किया जाते हैं, पास्ट, टुडे, फ्यूचर। जैसे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वॉस, एम, विल, वॉस, वर, आर। ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब पास्ट में जैसे कि आई वॉस, प्रेजेंट में आई एम, फ्यूचर में आई विल बी। सी ऑब्लिक वॉस, ही लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है, सी लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। पास्ट में ही वॉस, सी इज, फ्यूचर में सी विल बी। अब पास्ट में यू वर, दे आर, यू विल बी। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं प्रोनाउन और वर्ब के बारे में। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक नाम होता है। ठीक है, जो कि प्रोनाउन क्या होता है, एक नाम जो नाउन होता है उसके प्लेस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी का नाम है जॉन, ठीक है, तो हमने उसके प्लेस में जैसे लिखा है जॉन किड्स, जॉन प्ले विथ किड्स। ठीक है, तो जॉन बच्चों के साथ खेल रहा है, तो हमने उसकी जगह यूज़ कर दिया ही प्ले विथ किड्स। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जॉन की जगह हमने यूज़ किया प्रोनाउन को, ही हो गया। मैं के लिए आई लगाते हैं, यू मतलब तुम, ठीक है, वी मतलब हम, ही किसी सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, सी किसी सेकेंड पर्सन के स्त्री के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, ही मेल के लिए यूज़ करते हैं, इट किसी जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट गिवन ना हो वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं, दे का मतलब होता है वे। अब आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर। देखिए आई क्या होता है, सिंगुलर होता है यानी कि एक पर्सन, उसके साथ एम लगता है। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन यानी कि प्यूरल हो गया, तो यू के साथ आर। वी मतलब, वी का मतलब प्यूरल होता है यानी कि हम, तो वी के साथ भी आर। ही के साथ इस, ही इस, सी इस, इट इस, दे आर, दे का मतलब होता है प्यूरल, दे के साथ आर। फिर आता है वर्ब कंजक्शन चार्ट। वर्ब कंजक्शन चार्ट क्या होता है, इसमें सिंगुलर मतलब एक वचन, प्यूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर में क्या होता है, आई के साथ एम लगता है और प्यूरल में वी के साथ आर लगता है। सेकंड में यू के साथ आर, यू के साथ आर। अब सिंगुलर आप कह रहे हैं सिंगुलर में यू, यू माने तो तुम हुआ, लेकिन हुआ तो वो प्यूरल ही। ठीक है, सिंगुलर हम लोग इसलिए कैटेगरी में होते हैं जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो अपने आप को सिंगुलर ही मानेगा। ठीक है, ही, सी, इट के साथ इस लगता है और दे के साथ आर लगता है। फिर आता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, ठीक है, या सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो तीनों में अलग अलग होता है, जैसे कि आई वॉज, अफर्मेटिव के लिए आई वॉज, नेगेटिव के लिए आई वॉज नॉट, इंट्रोगेटिव के लिए आई पहले आ गया फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसमें क्या होता है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में ये डिफरेंस होता है। अफर्मेटिव में हम बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं, नेगेटिव में हम नकारात्मक बात करते हैं, जिसमें जो हमारा वर्डिंग होता है वो नहीं में होता है। इंट्रोगेटिव में हम कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं यानी कि प्रश्न पूछते हैं। वर्ब्स और एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या होता है, एडवर्ब्स इज़ अ वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ द वर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब्स की क्वालिटी को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने लिखा है जंप, अब जंप को क्या है हम लोग एडवर्ब में लाएंगे, तो स्लोली, जंप स्लोली मतलब। अब सिंग, सिंग हमें हम लोग क्या बनाएंगे, जो यहाँ पे एक वर्ड है उसमें से एक छाटना है, तो सिंग में हम लोग क्या करेंगे, सिंग हैप्पीली। ठीक है, तो कहने का मतलब वर्ब्स है, वर्ब्स की क्वालिटी कौन सी, एडवर्ब है, तो इसमें हमें छाटना होता है तो हम इसे आराम से छाट सकते हैं। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, इट टेल्स हाउ ऑफन, व्हेन एंड वेयर। हाउ ऑफन, ईजली, ऑलवेज, आफ्टर, अवे। तो मतलब एडवर्ब को हमने बताया जो कि वर्ब की क्वालिटी को शो करता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। वर्ल्ड क्लासेस में अब हम आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स व्हाट अ पर्सन आर थिंग डस, सच एज रन, हिट, रेन, बी, सीम। वर्ब एक वर्ड होता है जो कि
नाउन या प्रोनाउन की वर्किंग को शो करता है कि वो क्या कर रहे हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड विच यूज नाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू शो द नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है, आइडिया, वूमेन, डॉग, बिल्डिंग, लंडन एक्सेट्रा। मतलब किसी व्यक्ति का नाम को हम लोग जो है नाउन बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज डिस्क्राइब्स अ नाउन। जो नाउन क्वालिटी को शो करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि रेड, बैड, गेंट, ऐसा है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो वर्ब की क्वालिटी को शो करे उसे एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन एक वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी के बारे में उसकी पोजिशनिंग को, जैसे कि इट इज़ डन, सच एस, अंडर, बिटवीन, ऑन, आफ्टर। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन एक वर्ड होता है जो कि कनेक्ट करता है प्रेसेस या सेंटेंसेस से, जैसे कि बिकॉज, बट, फॉर, आर, ये कंजक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं? डिटर्मिनेंट्स एक वर्ड होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन को, जैसे कि एन, ए, एवरी, दिस, दीज, दोस, ये हमारे क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स होते हैं। प्रोनाउंस कौन होते हैं? प्रोनाउंस एक वर्ड होता है जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, विल, तो ये हमारे क्या होते हैं? वर्ल्ड, डब्ल्यू आर डी, वर्ड क्लासेस। फिर वर्ड फैमिलीज कौन कौन से थे? नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ठीक है। अब आपको हमने आपको बताया नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में डिफरेंस। नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम भी हो सकता है। वर्ब बता रहा है कि सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हमारा जो है नाउन के विषय में डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसके साइज, कलर, शेप, साइज, टेस्ट, स्मेल, साउंड, वेदर, नंबर, टेक्सचर, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। स्टेटिव वर्ब्स इन इंग्लिश। स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? जो हमारे नॉर्मल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे पोजिशन, हैव, ओन, पैक, कंसिस्ट, ठीक है। सेंस में क्या होता है? साउंड, हियर, स्मेल, सी, लुक, टेस्ट, टच। इमोशन में लव, लाइक, डिसलाइक, हेट, एडोर, प्रेफर, ये हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट में इमोशन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेंटल स्टेट में क्या होता है? नो, बिलीव, डाउट, थिंक, सपोज, रिकोगनाइज। रिकोगनाइज का मतलब होता है पहचानना। फॉरगेट मतलब भूलना। डिसएग्रीड इन अदर्स में होता है कॉस्ट, मेजर, वेट, सीम, फिट, डिपेंड। तो मुझे लगता है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।